हेलो फ्रेंड्स, आज दोबारा मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। एज आपको कहा था, ट्राई करूँगा बहुत जल्दी दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाने का। थोड़ा सा हेल्थ बेटर लग रहा है तो मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत अपडेट्स हैं चार, जो कि आपको शायद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है आने वाले वीक के अंदर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे TLM कॉइन की, जो कि बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर आने वाला है। और उसको हम कैसे अर्न कर सकते हैं, थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी लेंगे, और क्या ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे, जो कि शायद किसी इन्फ्लुएंसर ने किया होगा, आई गेस, आई हैव नॉट इवन चेक्ड, जो कि होने वाला है $21,000 का, $21,000 जो कि मिलेंगे हमारे NFT होल्डर्स को। क्यों दे रहा हूँ मैं वो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज काफ़ी कुछ अच्छा हमने हासिल किया है, गेन किया है, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरे NFT होल्डर्स को। थर्ड, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आइडियोस प्लेटफॉर्म की जो कि आने वाले हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनके बारे में आज मैं आपको क्विक अपडेट देने वाला हूं, और हो सकता है उनमें से कोई और आइडियो भी ऐसा हो जिसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दूंगा कि हम इसको बाय कर सकते हैं कि नहीं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें रोड की, तो रोड कल $12 के ऊपर मैंने आपको कॉल दी थी, आज लग गया है लगभग $23, यानी कि लगभग हो गए हैं 2x। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जिन आइडियोज के अंदर हो सकती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ फोर्थ पॉइंट जो कि होने वाला है, ऐसे आइडियोज जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिप में अवेलेबल है, जो कि परफॉर्मेंस आने वाले वक्त में काफ़ी अच्छे कर सकते हैं, उनके यूज़ केसेस काफ़ी अच्छे हैं, उनके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। छोटे छोटे सेशन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड, मेरा नाम है सुमित कपूर और आप देख रहे हैं आपका ही चैनल वाइज एडवाइस। आप लोग अगर आए हैं हमारे चैनल पर पहली बार, तो मेक श्योर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज तभी आएगी आपको सभी नोटिफिकेशन, जिसके थ्रू आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहेगी क्रिप्टो मार्केट की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, प्यार करेंगे, बिकॉज आप लोग करते हो लाइक, तो आई गेट क्वाइट मोटिवेटेड और उम्मीद कर तो बहुत मन चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ये सभी टॉपिक्स के बारे में। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ हमारे $21,000 के गिव अवे के लिए, जो कि NFT होल्डर्स को भी मिला है। हाँ, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बाइनेंस का टोकन TLM, जो कि एक दिन 17 घंटे के बाद आपको दिखाई दे जाएगा, लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर। और ये टोकन जो है बेसिकली हमारे को मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग में, अगर हम पार्ट लेते हैं बाइनेंस की, जिसके लिए या तो आपको चाहिए होंगे BNB टोकन या आपको चाहिए होगा BUSD। BNB टोकन आपको ऑलरेडी पता है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो अगर आप उसका रिस्क ना लेना चाहो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने यहाँ पे BNB को स्टेक किया हुआ है। ये मेरे वो टोकन्स हैं BNB के जिनको मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखा हुआ है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि BNB इस वक्त गिर जाए इस रेट से या बढ़ जाए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए मैंने टोकन्स को रखा हुआ है। सिमिलरली, अगर आप चाहते हैं कि और सेफ्टी चली जाए और BUSD को अगर हम चेक पर लगा दें, तो आप देखेंगे जब ऊपर URL है उसके अंदर TLM_BNB लिखा है, उसको आप चेंज कर दो _BUSD। जैसे ही आप ये कर देते हैं, आपको दिखाई देगा अब आप अपने BUSD को स्टेक कर सकते हैं और आपको उसके टोकन्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिलना आपको स्टार्ट हो सकता है TLM टोकन्स का। तो ये सिंपल सा तरीका है अगर हम बात करें TLM टोकन्स को अचीव करने का। और जो भी ये रेट के ऊपर लिस्ट होगा, चाहे वो 10x हो, चाहे 20x हो, चाहे 50x हो, ये फ्री मनी है, तो आई एम गोइंग फॉर इट। अगर आपको करना है तो आप उसको ज़रूर कर सकते हैं अप्लाई। हाँ, तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा गिव अवे जो कि आज तक का मैंने कभी किया है, वो है $21,000 का, जो कि होने वाला है मेरे NFT होल्डर्स को। आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले इन नवंबर, अगर हम बात करें नवंबर 2020 के अंदर, मैंने अपनी खुद की NFT स्टार्ट करी थी। NFT स्टार्ट करने का एम सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं कुछ लोगों को उतनी हेल्प कर पाऊँ कि वो अपना पोर्टफोलियो साइज सुपर डिफरेंट कर पाए, यानी कि उनका पोर्टफोलियो साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो पाए, और साथ ही साथ मैं उनकी क्रिप्टो फील्ड के अंदर उनके साथ काम करके उनको एक वैल्यू दे पाऊँ क्रिप्टो के अंदर, जब वो मेरे NFT ग्रुप को ज्वाइन करे। यहाँ पे मेरा कोई एम नहीं था कि हमारे को ईथर कलेक्ट करने हैं, हमारे को मेरे को चाहिए थे क्वालिटी के लोग जो कि मेरे साथ जुड़ के अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी गुना कर पाए। और मेरा वैल्यू देने का एम था आप लोगों को, जो कि बेसिकली यही था कि मैं ट्राई कर रहा था कि मैं जितने भी पार्टनरशिप करूँगा 2020-2021 के अंदर, ये सारे NFT होल्डर्स के अंदर उसका 20% बांट दिया जाएगा। दूसरा एम मैंने आपको साथ शेयर किया था कि जितने भी ट्राई करूँगा, जो कि मेरे पास इंटरनल न्यूज़ आती है, जो कि मेरे पास कुछ अच्छे पोजीशंस आती है जिसको मैं फील करता हूँ जिसमें अच्छा प्रॉफिट किया जा सकता है, और वो रिस्की ट्रेडर्स भी हो और समझे भी मार्केट को, वो लोगों से मैं जुड़ पाऊँ, तो वो भी हमारे को मिल गए। उसके साथ
एम था कि जितनी फ्यूचर्स कॉल, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे को बोलते हैं सर फ्यूचर्स कॉल दो, मैं वो ओपन ग्रुप में नहीं देता। उसका रीज़न सबसे बड़ा यही है बिकॉज फ्यूचर्स ट्रेड के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहता था कि अगर कम लोग हो एक ग्रुप के अंदर तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उनके अंदर अपनी फीलिंग सेंस करी जा सकती है, उनको भेजा जा सकता है, समझाया जा सकता है कि क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, तो वो लोग समझ पाएंगे उस प्रॉफिट को, उस चीज़ को। तो कल मैंने अनाउंस किया था हमारे को रोड के अंदर कुछ एलोकेशन मिली थी जिसके अंदर जो भी रिटर्न आएगा वो हम बांट लेंगे और हम उसका कर देंगे गिव अवे हमारे NFT होल्डर्स के अंदर। तो रोड का जो आईडियो गया वो गजब का गया और ऑलरेडी लिस्ट हुआ अराउंड 250x की अगर हम बात करें, लेकिन लगभग चल रहा था 100x के आसपास, तो नियर अबाउट $21,000 है जो कि होने वाले हैं गिव अवे मेरे 100 NFT होल्डर्स को, यानी कि हर व्यक्ति को मिलेंगे $210। जब इन सब लोगों ने NFT ग्रुप को ज्वाइन किया था तो लगभग ईथर की कॉस्ट थी $600, तो $600 के रिस्पेक्ट में उन्होंने NFT को ज्वाइन किया, NFT ग्रुप को, और लगभग अभी तक 7 एयर ड्रॉप्स मैं कर चुका हूँ। एंड मेरे को ये आज वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मैं कुछ सेट ऑफ लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ कर पा रहा हूँ जिसकी वजह से शायद वो लोग भी आज काफ़ी हैप्पी होंगे। उनमें से उनको काफ़ी, सबसे बड़ा अगर मैं एयरड्रॉप की बात करूँ तो वो था रारी का। रारी भी लगभग मिला था $30-40 का, जो कि उसके बाद गया है लगभग 40-50x, यानी कि वो $30 भी लगभग $1,000 के करीब बन चुके होंगे। ऐसे बहुत सारे एयरड्रॉप हुए और बहुत अच्छा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं उन लोगों की सेटिस्फेक्शन करवा पा रहा हूँ, और रोड ने हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, और आने वाले वक्त के अंदर भी ऐसा बहुत कुछ मैं NFT ग्रुप होल्डर के लिए करता रहूँगा। यहाँ पे वीडियो का एम दोबारा बता दूँ कि आप लोगों को NFT के अंदर बताने का क्या हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मेरी जो सोच थी वो सोच यही थी कि ऐसी कोई वैल्यू डाली जाए लोगों के लिए जो कि लोगों को प्रॉफिट दे, रेदर देन जस्ट मैंने उनसे पैसे ले लिए और उसके बाद मैं उनको भूल जाऊँ। तो एम यही था कि NFT होल्डर्स को वैल्यू दी जाए। तो आई एम वेरी हैप्पी, इसीलिए मैं इस पार्ट को आज इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि NFT होल्डर्स काफ़ी कुछ अर्न कर पाए, और मैं चाहूँगा काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए NFT होल्डर्स के, ताकि उनका भी ओपिनियन मैं लोगों तक, जनता तक पहुँचा पाऊँ कि प्रीमियम सर्विसेज सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि पैसा लिया और उसके बाद भूल गए, बल्कि ऐसा कुछ कि जो कि उनको आपके साथ एसोसिएट कर दे। तो वो 20% जो मेरी पार्टनरशिप्स है उनके अंदर भी उनका हिस्सा है, वो हकदार है उसके, तो उसके लिए बहुत मज़ा आने वाला है। और 2020 में न जाने कितनी सारी ऐसी पार्टनरशिप्स और ऐसे मौके आएंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब फ्रेंड बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है बहुत सारे ऐसे आइडियोज़ हैं जो कि अभी कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई देंगे और उनकी काफ़ी हाइप आपको दिखाई देगी। अगर आपको इनमें से किसी के अंदर भी वाइट लिस्ट होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपको इनमें से किसी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्ट लेने की प्राइवेट सेल के अंदर, तो आप इनके अंदर ज़रूर ट्राई करिएगा बिकॉज काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये दे सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको टाइम पे टाइम अपने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देने का कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि अभी हमारे को प्रॉफिट दे सकते हैं एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के बाद भी। तो फ्रेंड्स सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसके बारे में शायद अभी तक आपने ज़्यादा नहीं सुना होगा और आपको बहुत जल्दी सुनाई देगी इसकी आवाज़ आई बिलीव, जिसका नाम है standard.tech, द स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल एसेट्स, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल डिलीवर क्लॉटरलाइज कोलेटरलाइज इंटरप्रोबेबल डिजिटल एसेट ऑन सबस्ट्रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैक्ड अप बाय CMS, 4SV, DFG, D64, LinkPad, A195, M6, AU121, Crypto Dan Fund, BlockSync, Phonics, Lotus, Master Venture, BitBlock, PolkaBase और PolkaCur। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे आइडियोस वेंचर्स जो होते हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है मेरे नज़रिए में जिसके बाद मैं एक आइडियो को सिलेक्ट करता हूँ कि ये अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता। टीम सुपर सॉलिड है और काफ़ी बड़े लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो टीम के अंदर काफ़ी सारे नेम, बढ़िया अच्छे बड़े नाम हैं, और अगर मैं बात करूँ एडवाइज़र के अंदर, ये जो जस्पर है ये BSE पैड के अंदर भी पार्ट है, ये भी वहाँ पे भी एडवाइज़र है, ये आप कह सकते हो ऑनर है, और फॉर श्योर जब इनका नाम है तो आने वाले वक्त में हो सकता है ये BSE पैड पे भी दिखाई दे और आपको बड़े बड़े और प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिखाई दे सकता है ये टोकन, और एक गजब कंसेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा हाइप मचाएगा ये मैं मानता हूँ आने वाले वक्त में। तो इस प्रोजेक्ट पर ज़रूर नज़र रखिएगा।
दूसरा टोकन जो कि काफ़ी अच्छा जा सकता है, जिसका आईडीओ बहुत जल्दी अभी होने ही वाला है, जिसका नाम है रॉकेट वॉल्ट। शायद लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर इसका आईडीओ आपको दिखाई दे जाएगा। द स्मार्ट वॉल्ट दैट डिलीवर द हाईएस्ट एपीवाई, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको हाईएस्ट एपीवाई कैसे मिलेगा, उसको ये पूरा का पूरा आपके लिए सिस्टम बना के देता है। और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको अपना अमाउंट लगाना है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उन जगहों पे, फार्मिंग की जगहों पे, स्टेकिंग की जगहों पे, जहां पे सबसे ज़्यादा आपको एपीवाई रिटर्न्स मिलेंगे। रॉकेट वॉल्ट के अंदर भी अगर हम पढ़े, पावर्ड बाय एडवांस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। अब इंपॉर्टेंट पार्ट एक और आ जाता है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इनका बैक्ड अप बाय A195, परसीवल, वेल्थ यूनियन, अटेरना कैपिटल, बिल्ड होडल, पार्ट वन कैपिटल, मेरक्यूरियस एंड पीच कैपिटल। तो ये भी काफ़ी सारे VCs के साथ सपोर्टेड है और फेरम नेटवर्क के साथ इनका एडवाइजरी है, और ये एंड फ्रेंड जो है फेरम नेटवर्क के वो इनके एडवाइज़र है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है आने वाले वक्त में, इसके ऊपर भी नज़र रखना। मैं आप लोगों को जैसे मैंने कॉल दी थी फॉर रोड, मैं ट्राई करूंगा जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेने की, चाहे अगर आपने उसका वाइट लिस्ट मिस कर दिया हो, चाहे आपने उसको मिस कर दिया हो, उसके अंदर पार्ट लेना प्राइवेट सेल के अंदर आपको नहीं मिली हो, तो आपको मैं फिर भी ट्राई करूंगा अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा कि एक्सचेंज से उसको बाय करे कि नहीं, वो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट दूंगा। अगर हम बात करें रॉकेट वॉल्ट की, तो उनका टेलीग्राम जो ट्विटर ग्रुप है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 8100 फॉलोअर्स हो चुके हैं। एंड आप यहाँ देख सकते हो 3 days टू गो टू लिस्ट ऑन यूनिस्वैप, तो बहुत जल्दी आपको ये टोकन दिखाई देगा और उसके बाद क्या परफॉर्मेंस होगी मैं उसका रिजल्ट आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थर्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है रेवोमॉन, जो कि आप कह सकते हैं एक NFT प्रोजेक्ट है जो कि लिस्ट होगा BSE PAD के थ्रू, और BSE PAD के लास्ट 2 प्रोजेक्ट जो गए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ रेवोमॉन के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आप, और काफ़ी अच्छा रिटर्न ये प्रोजेक्ट दे सकता है। बिकॉज BSE PAD से मैं मानता हूँ कि इस वक्त BSE PAD कोई ना कोई प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा ताकि उनकी हाइप बरकरार रहे मार्केट में। तो रेवोमॉन इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट जिसके अंदर से अगर आप इनका ट्विटर हैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हलचल दिखाई देगी। ऑलरेडी 7800 के करीब इनके पास लोग हो चुके हैं, और मैं मानता हूँ BSE PAD का ये वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा। एंट्री लेनी है कि नहीं उस टाइम, वो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा बहुत जल्दी। फोर्थ प्रोजेक्ट जो कि आईडियो आने वाला है, ये भी BSE PAD का प्रोजेक्ट है और ये भी NFT का प्रोजेक्ट है, और इसके ऊपर भी हाइप काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करें, अभी थोड़े दिनों के बाद इसका आईडियो है और लगभग 6000 फॉलोअर इसके हो चुके हैं, और ये भी NFT के अंदर जैसे ब्लेस के अंदर हाइप बनी थी, वैसे ही डार्ट की हाइप भी धीरे धीरे मेरे को बनती हुई दिखाई दे रही है। और इन्वेस्टर पार्टनर देखे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, BSE PAD, मैग्नस, मर्क्यूरियस, मूनवेल, X21, ब्लैक एज एंड आर्ट कलेक्टिंग प्रोजेक्ट। मैं मानता हूँ काफ़ी एक्स दे सकता है डार्ट, और मेरी बेट इसके ऊपर भी होगी, लेकिन मैं आपको अपडेट दूंगा हमारे टेलीग्राम पे, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें भी आप एंट्री ले सकते होंगे ऑन एक्सचेंज जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रोजेक्ट जो कि है वो है RevoNetwork.app, जो कि अभी अगर हम बात करें, योर वन स्टॉप विंडो टू द लिमिटलेस वर्ल्ड ऑफ DeFi, वी इग्नाइट एंटरप्रोबेबल इनोवेशन ऑफ DeFi टू एंड यूजर्स ऑन टैप। तो आप कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट की अभी वो हाइप नहीं है, लेकिन ये थोड़े दिनों के बाद आएगा, लगभग मेरे ख्याल 10 दिन बाद आएगा ये, तो इनकी टीम थोड़ा धीरे धीरे हाइप बनानी स्टार्ट कर रही है। अपकमिंग प्रोजेक्ट है और मार्केट में कैसी हाइप होएगी वो मैं आपको बहुत जल्दी इसके बारे में बताऊंगा, बस नज़र रखिएगा इस प्रोजेक्ट के ऊपर। रेवो टोकन इज़ अ यूटिलिटी टोकन यूज इन रेवो नेटवर्क इकोसिस्टम, रेवो टोकन विल हैव वेरियस यूज केसेस विद आवर होल रेवो नेटवर्क इकोसिस्टम। तो बेसिकली इकोसिस्टम बनाने का प्लान है और यहाँ पे उसका पूरा रोड मैप दिया हुआ है, आप इनकी टीम के बारे में देख सकते हो सारा का सारा। मेन जो आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी मैंने आपको 5 आइडियोज़ बताए हैं जो कि अपकमिंग आइडियोज़ है। मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। रॉकेट वॉल्ट की बात करें तो इसकी हाइप धीरे धीरे काफ़ी अच्छी बनती जा रही है। मैं बात करूँ रेवोमॉन और डार्ट, ये बहुत अच्छे BSE PAD का प्रोजेक्ट जा सकते हैं, एंड आई बिलीव कि डार्ट उनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। रेवो नेटवर्क की बहुत अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हाइप नहीं है, लेकिन यस ये प्रोजेक्ट भी अच्छा कर सकता है, कोई अगर इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको ज़रूर मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड इसके बाद हम बात करते हैं कौन से है वो आइडियो जो कि आए, जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट दिया, 100x, 200x, 50x,
लेकिन अब डिप के अंदर अवेलेबल है, तो वो प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। चार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काफ़ी अच्छी हाइप है और उनका यूज केस बहुत बढ़िया है, और मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं इन लॉन्ग रन। पहला प्रोजेक्ट उसके अंदर लिस्ट में मेरी जो आता है वो है किक पैड, जो कि चल रहा है 2.80-2.85 सेंट्स। इसका बेसिक यूज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे आइडियोज़ लिस्ट होंगे, और जब जब वो आइडियोज़ आएंगे तो किक पैड टोकन की आपको ज़रूरत होगी। ऑलरेडी ये बहुत सुपर परफॉर्मेंस कर चुका है और मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जा सकता है और अच्छा रिटर्न दे सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा ये यहाँ से 10x हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा इसके अंदर हम बार बार ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं, यानी कि $2.50 में एंट्री ली, 3 में बेचा, 2.20 में एंट्री ली और 2.80 में बेचा, ऐसा हम बार बार करके किक पैड के थ्रू एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। सेकंड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूंगा, जो कि मैं आपको $30 के आसपास $32 के आसपास देना चाहता था, वो है पोलकामॉन, जो कि अब चला गया है $37.67, और मैं मानता हूँ ये $50-60 आपको दोबारा देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई हैरानी नहीं होगी। आप देखेंगे तो मैक्स सप्लाई इसकी कुछ भी नहीं है, और मैं कहूँगा कि इसका फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट हो सकता है जब NFT के अंदर दोबारा से थोड़ी हाइप बनने को दिखेगी, आपको पोलकामॉन काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। थर्ड प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करूँगा वो है शॉपएक्स। शॉपएक्स जो है बहुत ही सुपर प्रोजेक्ट है, सुपर प्रोडक्ट है, और मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मेरे को इसमें देखने को मिल रहा है वो है ऑल टाइम हाई, जो कि लगा था $4.77 जब ये लिस्ट हुआ था, उसके बाद अब चल रहा है 2.44, जो कि 50% नीचे है, अच्छी डिप के अंदर अवेलेबल है, और ये लॉन्ग टर्म के अंदर इसकी काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स मेरे को लगता है देखने को मिलेगी, और ये प्रोजेक्ट दोबारा हमारे को अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले वक्त में, तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है शॉपएक्स। फोर्थ एंड फाइनल प्रोजेक्ट आइडियोज़ के अंदर अगर हम बात करें तो वो है एओज, जो कि चल रहा है इस वक्त $1.63-2.65, यानी कि ये भी लगभग 40% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है एओज। सुपर पार्टनरशिप आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, और काफ़ी कुछ है इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कि आपको प्रॉफिट दिला सकता है। तो ये चार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइडियोस आए, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले वक्त में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और डिप में भी काफ़ी अवेलेबल है, तो आपकी च्वाइस है इनके ऊपर आपको एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी। तो ये अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारे को अच्छा आइडियोज़ के अंदर इनके अंदर गेन मिल सकता है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो काफ़ी प्रॉफिट भी देगी आने वाले वक्त के अंदर, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बिकॉज जब आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छा मन करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस को बनाते रहने के लिए जिससे आप लोग अच्छा प्रॉफिट ले सके। हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए फिर भी काम करने का, ताकि प्रॉफिट का जो मोमेंटम है वो हमारा मिस ना हो, बिकॉज इट इज़ ऑल सीजन एंड वी हैव टू मेक गुड 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 मनी।